जनकपुरी महोत्सव समिति शाहगंज के द्वारा कोठी मीना बाजार मैदान में जनक महल भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने महोत्सव समिति के सदस्यों के साथ जनक महल का विधि विधान से भूमि पूजन किया। उत्तर भारत के प्रसिद्ध जनकपुरी को सजाने का सौभाग्य इस बार शाहगंज निवासियों को मिला है। बुधवार को कोठी मीना बाजार मैदान में जनकपुरी महोत्सव समिति शाहगंज द्वारा जनक महल भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने महोत्सव समिति के सदस्यों के साथ जनक महल का विधि विधान से भूमि पूजन किया। भूमि पूजन कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने सभी मिथिलावासियों को जनकपुरी महोत्सव की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जनकपुरी क्षेत्र में सांसद विधायक निधि के साथ संबंधित विभागों के द्वारा विकास कार्य कराए जाएंगे। मैं रामलीला कमेटी के अध्यक्ष का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने इस बार जनकपुरी के लिए कोठी मीना बाजार शाहगंज का स्थल चयन किया है। यहाँ स्थानीय मैं निवासी हूँ, वैसे तो मैं पूरे आगरा का सांसद हूँ। मैं शाहगंज वासियों की तरफ से उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा और आज बहुत ही विधि विधान से जनक महल का भूमि पूजन हुआ है। ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि निर्विघ्न रूप से समस्त कार्य सम्पन्न हो। मैं जनक भूमि का जो जनक महल बनने से पहले जो भूमि पूजन हुआ है उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली हम समझेंगे कि ये पुनित कार्य करने का मौका श्री भगवान राम ने हम लोगों को दिया और हमारे क्षेत्र में जो जनकपुरी सजने जा रही है तो चारों तरफ हर्षोल्लास का एक माहौल है। सब लोग यहाँ पर आए, सभी के सहयोग से बहुत सुंदर महल बनाया जाएगा। चारों तरफ रामसिया ही रामसिया हो रहा है और जनकपुरी का भव्य उद्घाटन आज जो भूमि पूजन एसपी सिंह बघेल जी द्वारा किया गया है और विजय शिवरे जी द्वारा किया गया है और पूरे तरफ हर्षोल्लास के साथ इस जनकपुरी जी की बहुत दमदारी से तैयारी की जा रही है और रामसिया ही रामसिया एक महीने तक गूंजी गूंज रामसिया की गूंजी गूंज होगी। जनक महल भूमि पूजन कार्यक्रम में मौजूद राजा जनक स्वरूप प्रमोद वर्मा गुड्डू भाई ने कहा कि मिथिला नगरी में प्रभु श्री राम का भव्यता के साथ स्वागत होगा। भाई आज हम लोगों ने सब लोगों ने समिति वालों ने और हम लोगों ने आज भूमि पूजन किया है और सभी को निमंत्रण देना हमारा फर्ज बनता है, सबको निमंत्रण दिया गया है और सबसे ये अब तक की जो जनकपुरी सजी है उससे भव्य जनकपुरी अब के सजेगी। सत्य सनातन धर्म और सनातनी परंपरा के हम लोग अनुयायी है और पहला काम माँ धरती माता को नमन करके उनका पूजन करके जनकपुरी आयोजन समिति 2024 आज इस भव्य दिव्य और नव नित्य कार्यक्रम के तहत आज भूमि पूजन था। माता को प्रणाम करके जनक नंदिनी का ये धाम और मिथिला नगरी बहुत सुदृढ़ सुरक्षित और सुंदर बने इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं। भूमि पूजन किया है सबके शहर के सभी गणमान्य लोगों ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने, आदरणीय एसपी सिंह बघेल जी ने, आदरणीय विजय शिवरे जी ने, जेएस धर्मेश जी ने, श्याम उरिया जी ने और हमारे पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी ने सभी लोगों ने यहाँ आकर अपनी आहुति दी है। श्री जनकपुरी महोत्सव का शुभारम्भ विधिवत रूप से आज शुभारंभ इसका हो गया है और निश्चित रूप से ऐसा अद्भुत आज यह मुहूर्त हुआ है। हमारे ब्राह्मणों ने द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पे आज शुभारंभ किया, भूमि पूजन हुआ है। आप देख रहे हैं शहर की तमाम जनप्रतिनिधिगण, तमाम शहर के गणमान्य लोगों ने यह हिस्सा लिया है और मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक जनकपुरी होगी। सारे शास्त्रों सारे विद्वान पंडितों द्वारा बड़े विधि विधान से मंत्रोच्चारण से आप लोगों ने देखा होगा सिंगी द्वारा जलाभिषेक कर हम लोगों ने यहाँ पर शुरुआत करी है और निश्चित ही हम लोगों में बड़ी सागन क्षेत्र के लोगों को बड़ी उत्साह है, उमंग है और ये नव्य दिव्य और भव्य बहुत ही अच्छी जनकपुरी अब की बार सजने जा रही है और ये इतिहास में होगा कि इतनी अच्छी जनकपुरी इतना अच्छा लड़की वाले ने स्वागत बारात का कभी जीवन में नहीं किया। जनक महल के भूमि पूजन कार्यक्रम में मौजूद भक्त शाहगंज क्षेत्र में सजने जा रही जनकपुरी को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। आज जनकपुरी महोत्सव समिति 2024 जनक महल का भूमि पूजन हुआ है
जो कि परंपरागत वैदिक परंपरागत पूजन संपन्न हुआ है। सूर्य जो कि इस समय सिंह राशि में है, तो ईशान कोण में सर्प का मुख होने के कारण अग्नि कोण में भूमि पूजन हुआ है, एवं वैदिक परंपरागत जिसमें सर्प का पूजन हुआ है, वास्तु का पूजन हुआ है, नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा इन शिलाओं का पूजन हुआ है, कच्छप का पूजन हुआ है, कूर्म भगवान का पूजन हुआ है, बरा भगवान का पूजन हुआ है, एवं दसदिक्पाल बलि और क्षेत्रपाल की बलि इत्यादि अमुक अमुक बहुत सारे पूजन हुए हैं। आगरा में शागन क्षेत्र में इस बार जनकपुरी का आयोजन हो रहा है और आगरा दक्षिण विधानसभा हमारे बड़ा सौभाग्य का हम सब के लिए है, क्योंकि आगरा दक्षिण विधानसभा का प्रतिनिधित्व मेरे पिताजी करते हैं, तो हम लोग बड़ा सौभाग्य है कि जनकपुरी का आयोजन हमें कराने का अवसर मिला है। और उसी के अंतर्गत आज कोठी मीना बाजार में एक बहुत सुंदर पूरी पूजा विधि के संग अपनी भूमि पूजन का शुरुआत की गई है। देखिए, बहुत ही परम सौभाग्य का विषय है कि आज कोठी मीना बाजार उस शहर के मध्य है, शागंज में, जो जनकपुरी सजने जा रही है। आज जनक महल के स्थान का भूमि पूजन बड़े ही विधि विधान के साथ, अनुष्ठान के साथ यहाँ पर हुआ है, जिसमें शहर के सभी गणमान्य लोग, हमारे प्रतिनिधि लोग और सभी समाज के लोग यहाँ उपस्थित थे। जनकपुरी महोत्सव जो सागर में सजने जा रहा है, आज उसका भूमि पूजन हुआ है। आप देख रहे हैं कि भूमि पूजन के अंदर जब किस तरह से जन सैलाब जो उमड़ पड़ा है, तो जनकपुरी के अंदर क्या होगा। भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारे यहाँ जनकपुरी सज रही है, वो बढ़िया से बढ़िया भव्य से भव्य सजेगा। बड़ा सा ये आयोजन हमारे आगरा का सौभाग्य है कि हमारे आगरा में ये आयोजन इतने बड़े रूप में होता है, और मैं कहूँ तो एशिया का ये इकलौता एक ऐसा आयोजन है जो बड़ी दिव्यता और भव्यता के साथ ये आगरा शहर ऐसे बड़े प्यार के साथ मनाता है। आज इसका भूमि पूजन इधर हुआ है और बड़े ही लोगों में उत्साह के साथ ये भूमि पूजन आज किया गया है। जनक महल भूमि पूजन कार्यक्रम में महापौर हेमलता दिवाकर, विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, MLC विजय शिवहरे, विधायक डॉक्टर GS धर्मेश मौजूद रहे। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।